हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज अपना टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी गॉस की प्रमेय से। जी हाँ, ये भी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको गॉस की प्रमेय दो विधियों से बता चुके हैं, उसका एक अनुप्रयोग बता चुके हैं, दूसरा अनुप्रयोग ये है। इसके बाद गॉस की प्रमेय से रिलेटेड एक डेरिवेशन और है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की स्थापना। डियर स्टूडेंट्स, इन चार डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, वादा है हमारा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन के लिए एक अनंत विस्तार वाली, जी हाँ, एक अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर लेते हैं ए बी सी डी। इस अनंत विस्तार वाली समतल चादर की मोटाई नगण्य है, इस पर कोई आवेश प्लस क्यू समान रूप से वितरित है। इस चादर पर जो आवेश की मात्रा है, अर्थात आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है, वो है सिग्मा। इस चादर से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है पी, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु पी से होकर गुजरने वाले एक समतल पृष्ठ को लेते हैं, और वो समतल पृष्ठ है एस, ये। और ये जो समतल पृष्ठ एस लिया है, वो एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार वाली समतल चादर ए बी सी डी के समांतर है, ये पृष्ठ एस। अब इस एस को, अब इस एस समतल पृष्ठ को परिच्छेद मानते हुए, जी हां, क्रॉस सेक्शन मानते हुए 2R लंबाई का, R इतना, तो 2R लंबाई का एक्स वाई एक बेलन बना लेते हैं, बेलन लेते हैं। और ये बेलन इस प्रकार का है कि वह समतल चादर ए बी सी डी को मध्य से पार करता हुआ, ठीक मध्य से पार करता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। अब ये दोनों समतल पृष्ठ, ये वाला समतल पृष्ठ एस डैश और ये वाला समतल पृष्ठ एस, और ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ये एक बंद गॉसियन पृष्ठ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको निकालना होगा कि इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। एक बार फिर समझिए, इस डेरिवेशन में अनंत विस्तार वाली एक समान आवेशित नगण्य मोटाई की कोई चादर है ए बी सी डी, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर जो आवेश की मात्रा है, अर्थात जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, वो है सिग्मा। इस चादर से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, यहां पर इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको इस बिंदु से होकर गुजरने वाले एक समतल पृष्ठ को लेना होगा, और वो समतल पृष्ठ है एस। अब इस एस को परिच्छेद मानते हुए, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि ये बेलन है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये कहलाता है परिच्छेद, क्रॉस सेक्शन, और ये इसका वक्र पृष्ठ। तो
इस समतल पृष्ठ S को क्रॉस सेक्शन मानते हुए, परिच्छेद मानते हुए 2R लंबाई का एक बेलन XY लेते हैं, जो अनंत विस्तार वाली समतल चादर ABCD को ठीक मध्य से पार करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। ये बेलन एक्स वाई और ये समतल पृष्ठ और उसका ये परिच्छेद समतल पृष्ठ एस डैश, ये एस डैश, ये एस और ये बेलन एक्स वाई, ये मिलके बंद गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो हमें ज्ञात करना है इस बंद गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस बंद गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तब अनंत विस्तार वाली चादर ए बी सी डी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्लस क्यू आवेश यहां पर है, तो प्लस क्यू आवेश से दूर की तरफ, सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, अर्थात इस पृष्ठ से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो इसके लंबवत बाहर की तरफ होगा और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ds वेक्टर वो भी बाहर की तरफ होगा। तो सबसे पहले समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ S से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इसे हम मानेंगे फाइव वन इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और ये हो जाएगा E ds cos थीटा। अब जरा देखिए ये E वेक्टर और ds वेक्टर, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों बाहर की तरफ है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। तो phi 1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री, चूंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1, तो phi 1 इक्वल टू हो जाएगा E ds। चूंकि स्टूडेंट इस समतल पृष्ठ को भी असंख्य सूक्ष्म अल्पांशों में विभाजित हुआ माना जा सकता है, तो उनमें से एक अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो ds और संपूर्ण समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो s, इसीलिए ये इंटीग्रेशन किया गया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं phi 1 इक्वल टू E और चूंकि इंटीग्रेशन ds ये बराबर होगा s के, तो phi 1 इक्वल टू हो जाएगा es। इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे समतल पृष्ठ S डैश, ये दूसरे समतल पृष्ठ S डैश से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइव टू इक्वल टू हो जाएगा ईएस, ये भी इसी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर दो। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इस समतल पृष्ठ एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया, इस समतल पृष्ठ एस डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे ये जो बेलन है एक्स बाई इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइव थ्री इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब जरा देखिए यहां ई वेक्टर है ये और डी एस वेक्टर है ये, और ये एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, और कॉस 90 बराबर होता है जीरो, तो फाइव थ्री इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इक्वेशन नंबर थ्री। अतः बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाइ इक्वल टू फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री, यानी के इधर लिखते हैं स्टूडेंट्स ऊपर फाइ इक्वल टू हो जाएगा फाइ वन है ईएस प्लस ईएस प्लस जीरो, इसको फाइ ई मान लेंगे संपूर्ण से बद्ध है, तो फाइ ई इक्वल टू ये हो जाएगा टू ई एस। इसको चाहो तो समीकरण दे सकते हैं, दे दिया समीकरण नंबर चार। गॉस की प्रमेय से फाइ इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसे समीकरण दे दिया पांच। फिर फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव, यानी कि समीकरण चार ब पांच से इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं टू ई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। चूंकि आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन एस, इसलिए
आवेश Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। तो ये Q बराबर सिग्मा इंटू एस हम समीकरण पांच में रखें, यहां पर रखेंगे ये, तो 2ES इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एस से ये एस कैंसिल, यानी कि 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो और ये यूनिट वेक्टर n, ये है सदिश रूप में। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, डेरिवेशन ये था कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए एक अनंत विस्तार वाली समतल चादर जो नगण्य मोटाई की है ए बी सी डी को लिया, इस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है, धन आवेश। आवेश की मात्रा अर्थात आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है वो सिग्मा है। इस चादर से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु पी से होकर गुजरने वाले एक समतल पृष्ठ को लेते हैं और वो समतल पृष्ठ है एस, जो कि अनंत विस्तार वाली चादर ए बी सी डी के समांतर है। इस समतल पृष्ठ एस को परिच्छेद मानते हुए, क्रॉस सेक्शन मानते हुए एक बेलन एक्स वाई लेते हैं, जो समतल चादर ए बी सी तथा डी को ठीक मध्य से पार करते हुए दूसरी ओर निकल जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये बेलन एक्स वाई और ये समतल पृष्ठ एस और ये वाला समतल पृष्ठ एस डैश मिलकर एक बंद गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। अब हमको ज्ञात करना है समतल चादर ए बी सी डी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि इस बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले इस समतल पृष्ठ एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया, फाइव वन इक्वल टू ई एस आया। उसके बाद दूसरा समतल पृष्ठ एस डैश इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये भी फाइव टू बराबर ई एस। तत्पश्चात समतल ये समतल चादर से गुजरने वाला जो बेलन है उससे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइव थ्री, ये कितना आया जीरो। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाइव ई इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। तो ये फाइव ई इक्वल टू आया टू ई एस, गॉस की प्रमेय से फाइव ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समीकरण चार व समीकरण पांच से 2ES बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, चूंकि Q बराबर होता है सिग्मा इंटू एस तो Q की जगह ये रख दिया, S से S कैंसिल हो गया, 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। सदिश रूप में इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं,
डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर आपको बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद गॉस की प्रमेय से रिलेटेड एक और डेरिवेशन हम आपको करवाएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।